हमें जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम पेपर पे कटिंग करके टाइम वेस्ट करेंगे, तो फिर उन लोग के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगी कि बुरा मत मानिएगा कि आप लोग एक कस्टमर को एक ही बार बुलाना चाहोगे, मतलब आपके पास एक ही बार आएगा ना, वो एक कस्टमर एक ही बार आएगा तब भी आप उसकी पेपर कटिंग नहीं करोगे। अगर आपके पास वो सेटिस्फाइड होके 10 बार आएगा तब तो आपको पेपर कटिंग करनी जरूरी है। मतलब जो बुरी स्टिचिंग अच्छी सिलाई नहीं करता होगा उनको पेपर कटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास एक ही बार कस्टमर आएगा और नाराज होके चला जाएगा, दोबारा तो आने वाला नहीं है, वो उस पेपर कटिंग से क्या करेगा। तो जिसके वो पास तो एक होता ही ही है, क्लाइंट वो को अपने 10 बार लिए भी हेल्प बुलाना हो है जाती है, वो अपने लिए जी। भी हेल्प हो जाती है कि अगर एक आदमी एक साथ 3 ब्लाउज डालता है तो अपन को बार बार उसका माप नहीं लेना लिखना पड़ता, एक फरमा काट लो फिर आप उसको रख रख के चाहे सारे ब्लाउज सी सकते हो। यस, जिसको मतलब जो जो अच्छे से सिलाई नहीं करता वो उनको पेपर कटिंग करने की जरूरत नहीं है, मतलब जिन